रहता है कि वह पैसा मैं खुद के लिए नहीं रख करके उसको फिर से समाज को वापस कर। तो हम लोगों ने बहुत सोचा क्या कि स्कूल का नाम क्या रखा जाए, क्या नहीं रखा जाए। और मेरी वाइफ डेंटिस्ट है, इन्होंने कहा क्या कि, और जो मेरे ब्रदर इन लॉ है, इन्होंने MBA किया उसके बाद अपने, तो इन्होंने कहा क्या कि सुनने स्कूल में कुछ तो डिफरेंस लगना ही चाहिए, क्या कि हम लोग दूसरे से अलग कैसे हैं। तो दूसरे से अलग बनने के लिए हम लोगों ने सोचा क्या कि स्कूल में कौन सा चीज़ नहीं दे पाता। मेरे क्लिनिक में छोटे छोटे बच्चे आते थे, मैं हमेशा ऑब्जर्व करता था, उनसे पूछता था कि यार नाम क्या है, तो फलाना प्रॉब्लम क्या है, ये और कोई दिक्कत, ये वाला जेस्चर जो है वो मेरे को बहुत बुरा लगता था। आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जो लगे क्या कि हाँ ये जो है कि एक संस्कृत समाज का हिस्सा है और एक अच्छे स्कूल में पला पड़ा। तो इन लोगों ने बहुत सोच समझ करके स्कूल का नाम संस्कार भवन रखा, यानी कि ये एक ऐसा खाली होगा जहाँ से कि संस्कृत बच्चे पैदा होंगे जो समाज के लिए एक अच्छे फूल का काम करेंगे। क्योंकि हम लोग सुने हैं क्या कि एक घाटी है जिसका नाम फूलों की घाटी, तो जस्ट बाई चांस में जो है क्या कि वो डिस्कवर हो गया हुआ है, क्योंकि दो सौ सैलानी जो है जो रास्ता भटक गए थे और आज के तारीख में वो सबसे ज़्यादा सर्च किया और जाने वाला जगह बन चुका है। तो मेरा भी इसलिए ऐसा बने कि ऐसा संस्कृत बच्चे लोग पैदा होंगे जिनके खुशबू से सारे के सारे लोग कम से कम अच्छा वातावरण हम दे पाए, ये मेरी सोच है, इन लोगों की सोच है, जिसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और ऊपर भगवान की आशीर्वाद और नीचे हम लोग का हौसला, यही हम लोग का सारा का सारा। स्कूलों की भीड़ में शामिल एक स्कूल मात्र नहीं है, तो एक ऐसा घर होगा, एक ऐसा वातावरण उनको बच्चों को मुहैया कराया जाएगा जिसमें वो खेलते 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 बहुत कुछ ऐसा सीख जाएंगे जिससे उनको पढ़ाई भार ना लगे। पढ़ाई जिस दिन बोझ लगने लगेगी उस दिन बच्चे को आना नहीं चाहिए। तो हमारे स्कूल में बच्चे आए और बहुत कुछ सीख कर जाए और उनसे जो भी बच्चे उनके सभी लगे कि उनको प्राउड फील हो कहाँ से आए, तो भीड़ से हटकर कुछ अपना अनूठा छाप छोड़ने की हम लोग ये स्कूल को। मैडम एक चीज़ तो देखने को मिल रही है कि आज कार्यक्रम तो आपका हो रहा है, कहीं कहीं 30 जो है जवान जो शहीद हुए हैं, और मैक्सिमम कार्यक्रम आपका उसी फोकस है जो तो पहले से तय था कि ये कार्यक्रम, लेकिन जो आप प्रस्तुति दे रही हैं जी, यह प्रोग्राम मतलब एक तो हमारा वार्षिक उत्सव है और हम लोग मतलब लगभग एक महीने से हम लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे थे। यह कोई हम लोग हर बार एक देशभक्ति को शामिल करते हैं, क्योंकि अगर स्कूल लेवल पर ये जज्बा नहीं दिया जाएगा तो ये बाद में इनहेरिट होने वाला नहीं। लेकिन अब ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि आज ऐसा हो गया, और वैसे भी हम सब दुखी हैं, हम सब भारतीय इस बात के लिए दुखी हैं, और इस हमारा उनके लिए श्रद्धांजलि था। और संस्कार वैली स्कूल, क्या मैसेज समाज में आप देना चाह रहे हैं स्कूल खोल कर? हमारा आइडिया था कि ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चे कम से कम हैप्पी फेस के साथ आए, बच्चा को वो लगे मैं घर भेजा जा रहा हूँ, दे आर नॉट बीइंग फोर्स्ड टू कम हियर, खुद से अपने चॉइस से यहाँ पे आ रहे हैं, और दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस एवरी डे व्हेन दे गो होम, उनको स्माइल इंटैक्ट होना चाहिए कि जो पढ़ाई की है साथ में जो यहाँ मिला एक्स्ट्रा करिकुलर को करिकुलर प्लस एकेडमिक चीज़ वो तीनों चीज़ इंटैक्ट है, जहाँ वो क्वेश्चन पूछने में इंकरेज किया जाए, तो वहाँ वो शर्म नहीं है, कोई लिहाज है कि नहीं तुम नहीं पूछ सकते, जितना बताया जाए उतना ही याद रखो, उतना ही रटना है, ऐसा नहीं है। दे आर इनकरेज टू आस्क क्वेश्चन, पूछो, आस्क एंड यू विल गेट द आंसर। शायद हम लोग को सारा आंसर पता नहीं होगा, बट जितना पता होगा हम लोग बताएंगे, और नहीं पता होगा तो एकेडमिक सोर्स से ऑनलाइन हम लोग ट्राई करेंगे उसको फाइंड आउट करने का और तुमको बताने का, हम लोग को नॉलेज का जर्नी साथ में शेयर करें, ये हमारा मेन अटेम्प्ट है यहाँ के थ्रू। कि जहाँ साथ ही एक चीज़ और कि लाइफ आगे इतनी टफ होती जा रही है, तो बेसिक जो एलिमेंट है यहाँ का शिक्षा के साथ साथ सिर्फ यही काफ़ी नहीं होगा, उनको प्रैक्टिकल लाइफ भी तैयार करवाना पड़ेगा कि आगे की लाइफ में कैसे जिएंगे, कि रियलिटी कुछ और होती है, प्रैक्टिकलिटी कुछ और होती है, और एकेडमिक कुछ और होता है, बट इसके साथ अगर वो तैयार रहेंगे फ्यूचर में क्या होने वाला है और वो कॉन्फिडेंस को हेल्प करे उस चीज़ में, तो बेसिकली हमारा ये इंटेंट यही है और कंटेंट भी हमारा यही। सर एक आखिरी सवाल, आज के दौर में जब पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है सुदूर देहात में अंदर में यहाँ पर स्कूल आपने खोला है, तो क्या आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर गाँव में बढ़ाना जरूरी है? मुझे तो बढ़ाना जरूरी है, प्लस यहाँ जो टैलेंट है इसको सही में निखार नहीं मिल पाता है शहरी लेवल पर, शहरी लेवल बहुत स्कूल होंगे और सब अपनी जगह अच्छे कर रहे होंगे, बट गांव के बच्चों को जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो शायद सबका सब अवेलेबल नहीं है। तो हमारा तरीका है कि एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम रहे हमारे पास, सेकेंड मोर देन क्वालिफाइड टीचर्स हैं, जो टीचर को ये उत्सुकता रहे कि वो बच्चे उसके अच्छा कर रहे हैं,
मतलब एक सर्टन पैटर्न को फॉलो करें और वो क्रिएटिव रहें और बच्चों एकेडमिक भी ध्यान दें, क्योंकि यहाँ के बच्चे जो मैंने देखा है स्कूल में आज उनको थोड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया बोलने के लिए, चाहे उनका इंग्लिश स्पीकिंग हो या उनको लैंग्वेज हो। खिल के आए लास्ट ईयर हमारे कई बच्चे जो गाँव के बैकग्राउंड थे इंग्लिश स्पीकिंग सडनली इम्प्रूवमेंट, क्यों? उनको अच्छा माहौल दिया गया, उनको अच्छा इंकरेज किया गया। और ये तरीका है कि हमारा इस रूरल बैकग्राउंड में जहाँ टाउन से थोड़ा दूर है पर प्लेटफॉर्म बड़ा है और माहौल ज़्यादा अच्छा मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा। कैन वी शॉर्टन इट नाउ? एक और गांव में की चलती है कि स्मार्ट टाउन और स्मार्ट सिटीज की बात तो हमेशा ही होती है। मोदी गवर्नमेंट जब से आए इसने कहा क्या कि गांव के तरफ देखो, क्या कि जब तक गांव नहीं डेवलप करेगा आपका विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि गांव में कितने लोग रहते हैं, 70% पॉपुलेशन हमारा इंडिया का गांव में रहता है और वो जिस हिसाब से शहर की तरफ भागा चला जा रहा है वहाँ पर आधापाधापी की ज़िंदगी है। वहाँ पर मोदी का एक वर्ड मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि जब तक बच्चा खेलेगा नहीं खिलेगा क्या। तो आपको खेलने के लिए आपको जगह चाहिए, शहर में जगह ही नहीं है। आज मेट्रोज में बच्चे जो है क्या कि जो केवल व्हाट्सएप और ये से व्हाट्सएप पर क्या देख रहा है वो मेरे को पता नहीं चल रहा है। मैं उनको फील्ड देना चाह रहा हूँ यार, तुम्हारा शारीरिक विकास जो हमेशा विवेकानंद कहते थे कि एक अच्छा आदमी को खेलने के लिए है ना फुटबॉल दिया करो कि टीम स्पिरिट भी आएगी और गोल की तरफ जो अप्रोच जो रहेगा वो टीम स्पिरिट के साथ में रहनी चाहिए। क्या कि हम खुद नहीं गोल करने, हमने बॉल उसको पास करा उसने भी अगर कर दिया तो मेरी टीम तो जीत गई। तो गांव में आकर के हम लोग करना है क्या कि स्मार्ट विलेज के बारे में जो सोच है गवर्नमेंट की उसके तरफ और हर एक चीज़ को हमारा जो अप्रोच जो है वो होलिस्टिक है, क्या कि दूर नहीं जाना पड़े। आपका बहुत सारा समय शहर जाने के हिसाब से 2-3 घंटा आपका बर्बाद हो जाता है, हम आपके दरवाजे पर आए हुए हैं, क्या है आपका समय आपका बच जाए। तो ये सोच करके इन लोगों ने गाँव में रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है क्या है कि अभी तक यहाँ का वातावरण पोल्यूटेड नहीं है, ठीक है ना, न साउंड पोल्यूशन है न एयर पोल्यूशन है, दिमाग से मेरे ख्याल से पोल्यूटेड नहीं होगा।